दोस्तों देखिए कितना शानदार LHB कोच लग रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये LHB कोच कैसे बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके बाद अपने हिसाब से इसे काट लेना है। इसमें 9 विंडोज़ आपको बनाने होंगे और साथ ही में आपको 2 टॉयलेट्स के लिए विंडो और 2 गेट्स के लिए जगह बनाने हैं। ऐसे ही आपको 2 फ्रेम बनाने हैं और उसे सेलर टेप या फेविकॉल के हेल्प से चिपका देना है, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों उसके बाद आपको कार्डबोर्ड के ऊपरी हिस्सा को निकाल देना है, कुछ इस प्रकार से। ये ऊपरी हिस्सा 3rd AC का AC बम्प जो रहता है उसका काम करेगा। दोस्तों ये कोच के रूफ का भी काम करेगा और आपको कोच के छत को थोड़ा कर्व बनाना होगा। इसके बाद आपको बचे हुए हिस्से को पेपर टेप की हेल्प से कवर कर देना है। दोस्तों ये गैंगवे है जो मैंने पेपर को रोल करके बनाया हुआ है और फिर कलर करने के बाद अपना कोच कुछ इस प्रकार दिखेगा। और दोस्तों ये है AC का यूनिट जो 3rd AC कोच के ऊपर लगाए जाते हैं। दोस्तों कलर करने के बाद अपना कोच कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कोच के छत को मैंने ग्रे कलर से पेंट किया है। ये ग्रे कलर आप ब्लैक और वाइट कलर को मिला के बना सकते हैं। दोस्तों अब हमें कार्डबोर्ड को सर्कल में काट लेना है जिससे हम व्हील्स बना सकते हैं। और ये है बोगी फ्रेम। दोस्तों व्हील और बोगी फ्रेम बनाने के बाद आपको इसे अटैच कर देना है। यहाँ पे बियरिंग के लिए मैंने पेन के रिफिल का यूज़ किया हुआ है और एक्सेल के लिए मैंने अगरबत्ती की स्टिक यूज़ की गई है। दोस्तों LHB कोच के सस्पेंशन को बनाने के लिए मैंने वायर का यूज़ किया है। ट्रेन के कोच को बोगी में फिट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसके बाद आपको 4 बायो टॉयलेट्स के टैंक बना लेने हैं और वो बोगीज के पास लगेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 3 वाटर टैंक बना लेने हैं सिलेंड्रिकल शेप के और ये छोटे छोटे बैटरी बॉक्स बना लेने हैं। दोस्तों ये है साइड सस्पेंशन जो सिर्फ LHB कोच में दिया जाता है। पूरी तरह से पेंट करने के बाद अपना कोच कुछ इस प्रकार दिखेगा। दोस्तों ये है मेरा रेल म्यूजियम जिसमें LHB कोच, WDP 4D और अमूल का V5 लोकोमोटिव है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।